झारखंड के बोकारो जिले के तेनुघाट में अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, बता दें तेनुघाट भारत माता मंदिर से अपहृत छप्परगढ़ा निवासी धर्मेंद्र को अपहरण कर तेनुघाट में एक झोपड़ी नुमा रूम में रखा गया था। बता दें कि छप्परगढ़ा निवासी जयलाल करमाली का पुत्र धर्मेंद्र प्रतिदिन अपनी मोटरसाइकिल से गोमिया डांस क्लास के लिए जाया करता था। दिनांक 16 को प्रतिदिन की भांति धर्मेंद्र डांस क्लास के लिए निकला। भारत माता मंदिर के पास चार लोगों ने इशारा किया, जिसमें धर्मेंद्र का एक परिचित था। परिचित को देखते ही धर्मेंद्र ने मोटरसाइकिल रोकी और मोटरसाइकिल रुकते ही चार लोगों ने उसे घेर कर मंदिर के नजदीक बने झोपड़ी में ले गए। बता दें कि जाते ही उसके हाथ एवं मुंह को बांध दिया गया और वहीं से धर्मेंद्र के मोबाइल से उसके पिता जयलाल को फोन लगाकर फिरौती की मांग की गई। आवेदक जयलाल कुमार थे, वो सीसीएल से रिटायर कर्मी थे, जिनके पास रिटायरमेंट के बाद जो पैसा रहता है वो रहता ही, उसी को फिरौती के रूप में लेने के लिए ये जो ये पूरी अपहरण की घटना की गई। अपहरण जो है दो नंबर कॉलोनी जो गोमिया के रोड पर भारत माता मंदिर के पास से अपहरण करके ले जाया गया था और कार्तिक राम अपने जो घर है दो नंबर कॉलोनी में उसी में ले जा करके इनको रखा था। यह भी बात आई है प्रकाश में कि जो अपहरणकर्ता थे उसमें से एक सूरज कुमार दास, इसका एक चचेरा भाई और अपहरित जो धर्मेंद्र है वो दोनों साथ में डांस सिखाने के लिए गोमिया जाया करता था और इसी नाते वो सूरज कुमार दास को वो जानता था और इसी सूरज दास के द्वारा ये जानकारी कार्तिक को दी गई और कार्तिक के द्वारा पूरे योजना तैयार की गई और ये किया गया। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। अगर एकाध दो घंटे की भी दो देरी और होती तो शायद अपहरणकर्ता अपने मंसूबे में सफल होते।